हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखो दोस्तों, एसएससी जीडी पर मैं एक फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। वैसे मैंने रिजल्ट आया था, वीडियो बनाया था, आपका जो आपके नंबर आए थे वो वीडियो बनाया था, पर मैं यह वीडियो फर्स्ट बार बना रहा हूँ जिसके अंदर फिजिकल डेट इतने नंबर बढ़ सकता है। इसको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को पता है दोस्तों कि जो वीडियो बनाया था उसमें अच्छा खासा प्यार मिला था, और उसके अंदर कमेंट्स में ये सारे डाउट्स थे कि सर फिजिकल डेट क्या हो सकती है, कितने नंबर बढ़ सकता है, फिजिकल की तैयारी कैसे करें, ये सब डाउट्स थे। तो उन सब डाउट को क्लियर करने के लिए आपका भाई आपके सामने उपस्थित हो गया। तो चलो शुरुआत करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर फिजिकल डेट का नाम लगाकर कितने नंबर बढ़ सकता है। देखो मैं एवरेजन यहाँ पर बात करूंगा कि जो भी बच्चा पास हुआ है उसको ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के यूट्यूब परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। देखो बता दूँ आपको लगभग लगभग यहाँ पर चांस कितना रहता है भाई। यहाँ पर चांस रहता है एक से आपका 1.30 नंबर, 50 नंबर, समझ गए? मतलब एक नंबर या आपका एक से 1/2 नंबर, इतना ही नंबर यहाँ पर बढ़ने का चांस रहता है, बाकी ज्यादा नहीं बढ़ता। कभी कभार तो एक नंबर भी नहीं बढ़ पाता, कभी कभार तो एक नंबर भी नहीं बढ़ पाता बहुत सारी वैकेंसी में। तो मैं बता दूं आपको, स्पेशली बताना चाहता हूँ कि फिजिकल की तैयारी किसे करनी चाहिए। जो बच्चा पास हो चुका है ना, उसको हर बच्चे को फिजिकल भी देना चाहिए, क्योंकि भाइयों कुछ पता नहीं होता, कोई नहीं बता सकता। ये सारे जो फेंक रहे ना, वो मैं बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चे तो इससे बैठे एसएससी जीडी में जो केवल ये देखते हुए पेपर कैसा आ रहा है, एसएससी का लेवल कैसा पूछ रहे, तो वो केवल इतना ही देखते हुए यहाँ लेवल कैसा पूछ रहे, तो अपने आप को केवल वो फिजिकल देने नहीं जाएंगे, वो केवल अपना एग्जाम है ना वो लेते हैं भाई कि मैं कहाँ हूँ। तो इस कारण से आपकी कट ऑफ थोड़ी नीचे रहेगी। अब एक बात होती है, आप इस बार बहुत सारे कम बच्चे फिजिकल देने का मेन कारण क्या है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी है ना, उसमें सिलेक्शन बहुत सारे बच्चों का, एसएससी वालों का हो जाएगा, इस कारण से इसमें फिजिकल देने में बहुत कम जाएंगे। तो मैं बता दूं, जिस बच्चा पास हुआ है ना वो बच्चा भी फिजिकल देने जरूर जाएगा, क्योंकि भाई मैं बता दूं आपको, कभी कुछ किसी को नहीं पता चलता कब कब कहाँ फिजिकल आपकी किस्मत पलटी खा जाएगी, कोई नहीं बता सकता। तो मैं तो ये बोलूंगा, जो बच्चा पास हुआ उसको हर बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, वो हर बच्चा फिजिकल देने जरूर जाना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि भाई आपको पता होना चाहिए, क्या पता वेटिंग निकाल दे, क्या पता वेटिंग वेटिंग तो निकलेगी 100% भाई, आज नहीं तो 2 साल बाद निकलेगी। जब वेटिंग निकल जाएगी तो उसमें आ जाएगा नंबर, जरूरी है क्या? ऐसे ऐसे बच्चे देखे जिसने 5 साल दुबई के अंदर 5 साल आज एसएससी जीडी का जॉइनिंग लेटर आता और वो नौकरी कर रहा है आज बीएसएफ के अंदर। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे, बीएसएफ के अंदर वो बंदा नौकरी कर रहा है, आप सोच सकते हो। तो आपसे रिक्वेस्ट है फिजिकल देने जरूर जाएंगे। बात करते फिजिकल डेट की, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर जून से आपके फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है। कब से? जून से यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट होने की संभावना है, जहाँ पर आपका अभी मैं बता दूँ आपको, देखो बीएसएफ अपना फिजिकल कराएगी, एसएसबी अपना फिजिकल करा रही है, तो ये दोनों आपका अपना फिजिकल कराने के बाद में इसका फिजिकल कराएंगे, तो यहाँ पर जून से फिजिकल स्टार्ट होने की एसएससी जीडी के चांस है। आपको ये बात स्पेशली जानेंगे, जून से फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे, बाकी ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आपके प्रति एसएससी जीडी में जो भी अपडेट होगी वो आपके प्रति मैं लेकर आता रहूंगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।